So yesterday we discussed about the structure of diamond, the allotropy, the property of carbon to exist in different forms, right? So in these contexts, we discussed about the two forms, crystalline and the non-crystalline form of carbon. So crystalline form mein humne discuss kiya tha diamond, graphite and fullerene structures. Okay. And for the non-crystalline form, तो कार्बन जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है एज चारकोल. तो कार्बन की नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है चारकोल है. ओके बट वी विल बी डिस्कसिंग हियर इन डिटेल अबाउट इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म दैट इज डायमंड ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन. ठीक है तो हमने कल इन डिटेल सारा डिस्कस किया हुआ है ये. Today we will be discussing about their uses, the uses of diamond and uses of graphites. So diamond, you know, it is the hardest known substance. Okay, this is very precious jewelry ornament. Okay, so that is used in making of the jewelries and the precious stones. तो मेन डायमंड की यूजेस कहाँ कहाँ है. ज्वेलरी में यूज होता है ये. ठीक है बिकॉज दिस इज वेरी वेरी हार्ड. इट कैन बी यूज टू कट सम ऑफ द अदर मटेरियल्स लाइक ग्लास मार्बल्स हैं. ठीक है इनको कट करने में हम इसको यूज कर सकते हैं राइट बिकॉज हार्डेस्ट है सबसे ज्यादा हार्ड है तो यू कैन इजिली यूज इट. यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग पर्पसेस. तो आप डायमंड को यूज करके ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग भी कर सकते हो हार्ड मटीरियल्स की. ओके सो दे आर मेनली द यूजेस ऑफ डायमंड. नेक्स्ट the uses of graphite. So graphite, you know, this is having a layering structure. So layered structure hota hai graphite ka. To soft hone ke karan, slippery nature ka hone ke karan, it is used as lubricants. To hum isko lubrication mein use karte hain for the parts of the machines. Okay, so jo aapki machine ke fast moving parts hain, jab aapne unko lubricate karna hai, so you can use graphite because it is smooth and slippery. राइट इट इज ऑल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स फॉर द सेल. ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स होती हैं. ग्रेफाइट के क्रूसिबल्स बनते हैं. ठीक है ग्लास टाइप होते हैं क्रूसिबल्स इतने दैट वी यूज इन द केमिस्ट्री. ओके तो जब भी हम अपने एक्सपेरिमेंटल्स होते हैं हमारे केमिस्ट्री के तो वहां पर हम क्रूसिबल्स यूज करते हैं. सो क्रूसिबल्स दे शुड बी लाइक बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सके. तो जो ग्रेफाइट के हम क्रूसिबल्स बनाते हैं दे कैन विदस्टैंड विद दी हाई टेम्परेचर्स. ओके सो दे आर आल्सो यूज्ड टू मेक लेड पेंसिल्स. वैक्स या क्ले के साथ जब आप ग्रेफाइट को मिक्स कर देते हो तो लेड की पेंसिल्स बनती हैं आपकी. राइट और आप इसको कहां पर यूज कर सकते हो. तो मेनली यही होते हैं इलेक्ट्रोड्स हो गया. ठीक है लुब्रिकेशन मेन है लुब्रिकेशन का. तो डायमंड के साथ साथ आपको जो ग्रेफाइट का मेन क्वेश्चन आता है ना वो लुब्रिकेशन का आता है कि लुब्रिकेशन में कैसे हम इसको यूज करते हैं. तो आपने इसका लेयरिंग का अरेंजमेंट बताना है. प्लस यू कैन सिंथेसाइज द सिंथेटिक डायमंड्स ऑल्सो. ठीक है तो सिंथेटिक डायमंड्स हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं. अब आप देख सकते हो कि जो ज्वेलरीज आती हैं उसमें सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं. ओके तो सिंथेटिक डायमंड्स में हम क्या करते हैं जो प्योर कार्बन है आपका उसको हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम हीट करते हैं. इट इज सब्जेक्टेड टू वेरी वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड दैट गिव्स यू द सिंथेटिक डायमंड्स. तो वो एक्चुअल डायमंड नहीं है बट The synthetic diamonds, जिस मर्जी शेप या साइज के आप वेरी करवा सकते हो.
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनी वन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ फॉर द डिस्कशन. ठीक है, क्लियर है सारा, राइट? हाँ जी भूमिका बोलिए बेटा. लुब्रिकेशन, बेटा लुब्रिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑयलिंग करते हैं बॉडी पार्ट्स, सॉरी मशीन पार्ट्स की. ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं उसको, जो आपके मशीन के पार्ट्स होते हैं उनको आप ऑयलिंग ग्रीसिंग करते हो, तो दैट इज नोन एज लुब्रिकेशन. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन आंसर्स, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has formula CO2? ठीक है, तो आपको CO2 formula given है, आपने इसका electron dot structure निकालना है. ठीक है, this is very very, these type of questions are important, क्योंकि हमने Lewis dot structure जो है वो सबके करने हैं. तो आपने simple simple molecules के किए हैं, but ये थोड़े से complex हैं, जैसे carbon dioxide का, C2H4 का, ये structures जो है अब आपने सीखने हैं कि हमने कैसे बनाना है. Firstly, you should be knowing that ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा, दैट ऑक्सीजन एंड कार्बन दे आर हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन देम. ओके, तो ये जो चीज है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हमने यहाँ पर रखना है. नाउ आई नो कार्बन इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को विजुलाइज करूं तो कार्बन ने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज कर लिए हुए हैं. ओके, सो 1, 2, 3 and 4. Okay, so this is how I am drawing the 4 electrons, the 4 valence electrons of carbon. अब oxygen के बनाते हैं. Again, अगर carbon 2 दे रहा है तो that means oxygen भी 2 देगा. तो oxygen के 2 हम पहले यहाँ पर show कर देते हैं. Right? Oxygen will be having 6 valence electrons. If you know carbon 6 atomic number है तो 2, 4 valence electron है इसके. Oxygen 8, so that is having 2 and 6. 6 valence electrons are there. तो 6 बना दिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिमिलरली आई विल बी मेकिंग फॉर द सेकेंड ऑक्सीजन एटम. तो 1, 2, 3 and 4. ओके, 1, 2, 3 and 4. तो अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये कार्बन जो है वो इसके साथ बॉन्ड करेगा, देन सेकेंड बॉन्ड हेयर, अगेन कार्बन के भी 2 यहां पर बना देते हैं हम, राइट? सो इन दिस वे द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर. तो आपका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा नजर आएगा. ओके, और अगर हम इसको देखें, जैसे मैं हर बारी बनाती हूं आपका, ये ऑक्सीजन ने ये ले लेने हैं इलेक्ट्रॉन्स पहले. ठीक है, सिमिलरली दिस ऑक्सीजन विल बी टेकिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा. अब कार्बन के पास क्या आएंगे, कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा. ओके, सो फर्दर इफ यू वांट टू शो द शेयरिंग पार्ट आल्सो, सो इट विल लुक लाइक दिस. ओके, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. ओके, इज दिस क्लियर? हाँ जी बेटा, एनी डाउट यू कैन आस्क, पूछ लीजिए अगर किसी को कोई डाउट है. ठीक है, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सल्फर मॉलिक्यूल. ठीक है, द 8 एटम्स ऑफ द सल्फर दे आर जॉइंड इन द रिंग. तो अब अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर जो है दे मेनली एग्जिस्ट एज S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, विद अ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर. तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है सल्फर एटम्स का. ठीक है, तो सल्फर मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका ये स्ट्रक्चर होगा, वेयर ईच टर्मिनल पोजीशन पे क्या होंगे, सल्फर होंगे. तो 5 यहाँ पर है, 6, 7 और 5. सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ S8 विल लुक लाइक, दैट इज द क्राउन रिंग स्ट्रक्चर. तो ये क्राउन शेप में होता है.
ओके नाउ यू कैन वेल इमेजिन इन दिस सिचुएशन कि हर एक सल्फर जो है वो बाकी कितने सल्फर के साथ अटैच्ड है, दो सल्फर के साथ अटैच है. ओके तो हमें अब जनरल स्ट्रक्चर पता चल गया है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे. ओके सो वैसे मैं एक रिंग की फॉर्म में बनाऊंगी, ठीक है. आई विल बी मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग वेयर आई विल बी मेकिंग 8 सल्फर एटम्स, 2, 3, 4 then 5, 6, 7, and 8. Okay, see, this is how the structure will look like in a ring form. ठीक है, तो अब सल्फर है, सल्फर में आपको पता है the valence electrons will be 6. ठीक है, 6 valence electrons होंगे oxygen के साथ ही इसकी resemblance. तो हर एक ने दोनों को कितने कितने देने हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देना है. यही फॉर्म है, यही स्ट्रक्चर है कि हर एक सल्फर जो है वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. सी वन सल्फर इट इज कंट्रीब्यूटिंग इट्स वन वन इलेक्ट्रॉन टू द टू सल्फर एटम, ठीक है. उसके साथ आगे दो सल्फर एटम्स जॉइंट है. तो कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस, इस सल्फर ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, बाकी कितने रह गए इसके पास, 4 हैं, 6 वैलेंस हैं, तो 4 उसने अपने पास रख लिए हैं. अगेन दिस सल्फर इट विल बी गिविंग इट्स वन इलेक्ट्रॉन, सेम ही सबके साथ शो करते हैं. और इस सल्फर ने इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है, अगेन इट इज लेफ्ट विद 4 इलेक्ट्रॉन्स. आर यू गेटिंग, ठीक है. अब सिमिलर वे से ये वाले सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, एंड इट इज नाउ हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली इस सल्फर ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है और एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, अगेन इट इज हैविंग 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलर वे तो हम सबका बना देते हैं पहले. तो इस वाले सल्फर ने भी सेम ही करना है, एक इसको देना है, एक इसको, सेम फॉर दिस. ओके सो इट इज गिविंग यू दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगेन इसने भी अपना एक इसको देना है, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन सी द क्राउन लाइक स्ट्रक्चर हेयर ईच सल्फर इज बॉन्डेड टू 2 फर्दर सल्फर एटम्स, ठीक है. तो हमने भी यही कहा है कि हर एक सल्फर जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरों को दे रहा है. ओके नाउ लेट्स कम टू द बॉन्डिंग पार्ट. अब ये बॉन्ड है बेसिकली इनका, दिस इज द बॉन्ड दे आर एक्चुअली शेयरिंग 2, 2, ठीक है. तो इन सब में अब अगर मैंने हर एक सल्फर की जॉइनिंग के साथ बताना है, इफ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द जॉइनिंग विद द ईच एंड एवरी सल्फर एटम, तो मैं कैसे करूंगी. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि ये सल्फर जो है ये पूरे के पूरे ये इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है. ओके देन इफ आई टॉक अबाउट दिस सल्फर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगेन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए इसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो अगेन दिस सल्फर इज हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 7 and 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. सेम इसने ये ले लेने हैं, सेम इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है ये एक्वायर करने हैं. दिस विल बी एक्वायरिंग लाइक दिस एंड दिस विल बी एक्वायरिंग लाइक, सो दिस इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर S8 मॉलिक्यूल विच इज हैविंग अ क्राउन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. अब आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता था तो हमने ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म कर लिया हुआ है. ओके इज दिस क्लियर. इन द सेम वे इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ साइक्लोपेंटेन का, तो हमें पता है साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है या उसका स्ट्रक्चर क्या है. दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, राइट, वेयर ईच कार्बन इज अटैच्ड हियर 1, 2, 3, 4 and 5 ठीक है. तो ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ये हम बना लेते हैं यहाँ पर. वन
टू, जैसे शेप है वैसे ही आपने इसकी दोबारा शेप बना देनी है फॉर द डॉट स्ट्रक्चर। अब हरे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साइक्लोपेंटेन में आपको पता है द हाइड्रोजन्स विल बी देयर आल्सो, ओके। राइट, सो इट्स जनरल फॉर्मूला इज C5H10 इसका फॉर्मूला है, यानी कि हमने यहाँ पर दो हाइड्रोजन्स के लिए भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल करवाने हैं। तो हर एक कार्बन जो है आगे दो कार्बन के साथ अटैच है, तो अगेन वी विल बी ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो बाकी दो हैं दे विल बी गिवन टू द हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स ड्रॉ करते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर जो होंगे डैट विल बी फॉर द कार्बन। अगेन हेयर द कार्बन इज गिविंग फॉर 2 हाइड्रोजन्स। इस कार्बन ने एक अपना इसको दे दिया, दूसरा ये इसको देगा। सिमिलरली ये कार्बन है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने इन सब के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, ओके। सो इन दिस वे, अब इस कार्बन का देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इस कार्बन का देखो 1 2 3 4। सिमिलरली फॉर दिस कार्बन इट हैज गिवन 1 and 2 3 and 4, ओके। सिमिलरली फॉर दिस कार्बन इट हैज गिवन 2 इलेक्ट्रॉन्स, दो इसने हाइड्रोजन को दे देने। सो इन दिस वे द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन विल बी देयर। अब कंप्लीट करते हैं सारा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाले कार्बन के कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? सारे ये वाले, ठीक है। ये इस कार्बन ने सारे ये इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सिमिलरली फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 and 8, लाइक दिस, ओके। देन फॉर दिस 1 2 3 4 5 6 7 and 8, द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है उनके भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का, तो सारे हाइड्रोजन के भी ऑक्टेट कंप्लीट है। सो दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स विल लुक लाइक, ओके। तो कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, हमने पहले उसका जनरल स्ट्रक्चर दिखाना है, उसके बाद हमने देखना है कि कितनों के साथ बॉन्डिंग है, और आपने वैसे ही जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलाइन करने। इज दिस क्लियर बेटा? क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यस नो, ओके। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन एंड हेक्सेनल, ओके। पहले बात करते हैं ब्यूटेनोइक इथेनोइक एसिड की। नाउ अगेन इथेनोइक एसिड, अब आपको नेम दिया है, अब आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यू हैव टू राइट डाउन, इथ, ठीक है, आगे एन भी दिया हुआ है, इथेन है, दैट मींस हियर द वर्ड रूट इज 2 कार्बन। तो 2 कार्बन बनाओ, पहले 2 कार्बन बना लिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बताया ना, इथ इज वर्ड रूट, एन इज फॉर द सिंगल बॉन्ड। उसके बाद उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हमें दे दिया है, विच इज ओइक एसिड। दिस फंक्शनल ग्रुप, कोई नंबरिंग नहीं है, ठीक है, 2 3 कुछ भी नहीं है, सो वी विल बी अज्यूमिंग दैट दिस इज प्रेजेंट एट द फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन पे ही लगा है एसिड ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर, एसिड का हमें पता चल गया, 2 कार्बन की स्पीशीज है, हमें ये पता चल गया। अब ये कार्बन की तो वैलेंसी पूरी हो गई है, 1 2 3 4। This carbon is left, so here I'll be drawing CH3, क्योंकि 3 hydrogens लगने वाले थे, so CH3COOH. Next is bromopentane. Next is bromopentane. अब अगेन मैंने आपको बताया है कि ये जो halogens होते हैं, the halo family, ठीक है, ये क्या बनती हैं? ये बनती हैं prefix, पहले लिखी जाती हैं, ठीक है, सो दे फॉर्म द प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट मेरा पेंट है और साथ में लगा है एन, दैट मींस 5 कार्बन की चेन है, जहां पर ये सारे जो है वो सिंगली बॉन्डेड है, 1 2 3 4 5, सो आई हैव ड्रॉन द चेन ऑफ 5 कार्बन एटम्स।
तो मेरा जनरल स्ट्रक्चर आ गया. अब अगेन दे हैव नॉट गिवन अस एनी नंबरिंग कि वन है टू है किस पोजीशन पे जो ब्रोमो ग्रुप है वो अटैच्ड है. सो दोनों तरफ से मैं ले लूंगी तो दोनों तरफ से उसको वन नंबर मिल जाएगा. तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, यू कैन अटैच इट हेयर ऑल्सो. ओके, सो वट एवर पोजिशन यू कैन अटैच इट. तो अगर मैंने वहां उस पोजीशन पे अटैच कर दिया हुआ है, अब बाकी हम हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर लेंगे. सो इट विल बी एक बॉन्ड बनाया है तो तीन, इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स बनाए हैं तो दो हाइड्रोजन. अगेन दिस कार्बन हैज टू फॉर्म बॉन्ड, टू फॉर्म किए हैं तो यहाँ पर दो आ जाएगा, वन टू. ठीक है, दिस कार्बन वन टू. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रोमो पेंटेन, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. ठीक है, अगर आपको खोल के कहते हैं स्ट्रक्चर लिखने का तो आप इसको फर्दर जो है वो ऐसे भी खोल के लिख सकते हो कि ये तीनों हाइड्रोजन आपने इसको खोल के दिखाने हैं. देन कार्बन आएगा, देन यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन. सो इन दिस वे यू कैन शो द स्ट्रक्चर लाइक दिस ऑल्सो. मैं यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म दिखाती हूँ, ज्वाइंट फॉर्म दिखाती हूँ, तो आप ये ऐसे भी बना सकते हो. ओके, दे बोथ आर सेम. नेक्स्ट इज ब्यूटेनोन. नेक्स्ट इज ब्यूटेनोन. अब ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेनोन. पहले आपको वर्ड रूट दे दिया है ब्यूटे, यानी कि वी विल बी हैविंग फोर कार्बन, ये हमें पता चल गया यहाँ से. उसके बाद उन्होंने एन भी बता दिया है, डे और आर बॉन्डेड सिंगली, सिंगल बॉन्डेड है. उसके बाद ओन आ जाता है, ओन इज द फंक्शनैलिटी फॉर द कीटोन ग्रुप. ठीक है, तो कीटोन ग्रुप की ये फंक्शनैलिटी है. अब आपको पता है कि कीटोन जो है वो कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं लगेगा, क्योंकि वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट दिस कीटोन ग्रुप, इसके आस पास जो है वो दोनों कार्बन एटम्स होने जरूरी हैं. ओके, सो दिस फंक्शनैलिटी विल नॉट बी अटैच एट द एंड्स ऑफ दिस, तो एंड पे नहीं आएगी. तो जनरली जहां से फर्स्ट स्टार्ट होता है कीटोन, यहीं से स्टार्ट होता है. ओके, दैट मींस दिस विल बी द जनरल आउटलुक ऑफ ब्यूटेनोन. ये मैंने आपको बता दिया. अब नेक्स्ट हम हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेते हैं. दैट इज थ्री टू, एक दो तीन चार, ऑलरेडी उसने चार बना लिए हैं. दैट इज सी एच थ्री. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोन. क्लियर बेटा? ओके, एंड फॉर द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेनल. अगर आपसे हेक्सेनल का स्ट्रक्चर पूछते हैं, अब यहां पर अल आ गया है लास्ट में, सो दैट मींस दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप. यहाँ पर जो फंक्शनैलिटी है वो कौन सी है? एल्डिहाइड ग्रुप है. अब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो एंड में लग सकता है, बिकॉज इसके एंड में एच आता है. ओके, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट हेयर, we will be making the structure like this. Hex है, यानी कि छह कार्बन की स्पीशीज है. अब मैं दोनों तरफ से जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अटैच कर सकती हूँ. आइदर आई कैन अटैच फ्रॉम हेयर ऑल्सो, आइदर आई कैन अटैच फ्रॉम डैट साइड ऑल्सो. ठीक है, तो अगर मैं सपोज यहाँ पर अटैच कर देती हूँ तो लास्ट में ये वाला कार्बन जो है वो काउंट होता है. ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में जो आपका लास्ट वाला कार्बन है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो भी चेन के बीच में ही हमने काउंट करना है. ठीक है, अब यहाँ पर सपोज जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा था, तो मैंने एक्स्ट्रा सी डबल बॉन्ड वो कहीं पर नहीं लगाना है, जो चेन में ही कार्बन है उन्हीं को ही सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है वो असाइन करना है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एल्डिहाइड में सी एच ओ ग्रुप था, तो मैंने उसको चेन वाले कार्बन पे ही लिखा है, कोई एक्स्ट्रा सी एच ओ ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन और एसिड में जो कार्बन होता है वो आपने चेन के विद इन ही काउंट करना है. ओके, ओके, अब बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं. हेक्स है, एन है और अल है, तो सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगी, आपने उनके नेम बतानी है मुझे.
ओके आई विल बी गिविंग यू वन स्ट्रक्चर, यू हैव टू टेल मी द नेम. सो गिव द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. हाँ जी बताइए बेटा. ट्रिपल बॉन्ड एच. यस बेटा बताइए इसका नेम क्या होगा. सो इट्स नेम विल बी. हाँ जी बेटा क्या नेम होगा इसका. दिस इज नॉट टू आइन, दिस इज हेक्स वन आइन. फर्स्ट पोजिशन पे तो लगी हुई है. देखो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, और फर्स्ट कार्बन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आपके डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, जहां से चेन स्टार्ट होती है वहीं से हमने उस कार्बन को देखना है. ठीक है. सो दिस कार्बन इज हैविंग द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अटैच विद इट. तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने की चेन है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 की चेन है. So it will be hex. Okay. Either you can write down as 2-ion or simply, sorry, 1-ion है यहाँ पर. और आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख सकते हो, हेक्साइन, या आप 1-hexine भी लिख सकते हो. ठीक है, नंबर को आगे शो भी कर सकते हो. सो दिस इज द आंसर. एंड नेक्स्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू काउंट द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन एनी ऑफ द कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं आपने, तो जैसे ये है, अब आपने कोई भी स्ट्रक्चर है उसको पहले खोल के लिखना है ऐसे. दिस इज अ कंडेंस्ड फॉर्म, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू क्लोज. ओके, तो आपने यहाँ पर इसका ओपन स्ट्रक्चर जो है वो लिखना है. अब ओपन स्ट्रक्चर लिखने के बाद अब आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करने हैं. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. So this is having 16 covalent bond. Okay, this is having how many covalent bond? 16 covalent bond. So this is how we are going to calculate the covalent bond present in any of the molecule. Hanji, is this clear, beta? समझ आया? अगर आपको covalent bond count करने को कहते हैं तो हमने कैसे count करने हैं? Okay. चलिए next, draw the dot structure for propanone. If you are asked to draw the structure for propanone, dot structure कहा है. अब जैसे ये मैंने नहीं बताया है आपको पहले, तो ये भी एक example कर लेते हैं propanone की. तो पहले simple formula लिखते हैं propanone का. Again ओन है, that means कि tonic group आएगा इसके बीच में. तो this is the general formula. अब कार्बन लिखो अपने अपने. तो तीन कार्बन है हमारे पास. अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं देख सकती हूँ कि ये जो सेंटर वाला कार्बन है उसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, और दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसको दिए हैं, ऑक्सीजन को दिए हैं. सो दिस इज हाउ द 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन विल बी अरेंज्ड. और इसने 3 हाइड्रोजन को दिए हैं और एक कार्बन को. सिमिलरली 3 हाइड्रोजन को और एक कार्बन को. ओके, तो बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते हैं. अब ये कार्बन का एक आ जाएगा. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2 इस कार्बन का आ जाएगा. ठीक है, सो इन दिस वे द स्ट्रक्चर विल बी देयर. अब ऑक्सीजन का भी लिख देते हैं. ऑक्सीजन के 1, 2, 3, 4, 5 and 6 यहां पर बना देते हैं. ठीक है, सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक.
तो अब कंप्लीट करते हैं, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन का एक बॉन्ड, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन का दूसरा बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओके। ये हाइड्रोजन का हो जाएगा कंप्लीट, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का कंप्लीट, ओके। तो ये मैंने आपको सिंगल सिंगल बताए हैं, और अगर आपने क्लब करके लिखने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कार्बन के ये सारे क्लब हो जाएंगे, ये कार्बन के ये सारे क्लब हो जाएंगे, और ये कार्बन के ये सारे क्लब हो जाएंगे, ओके। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन विल लुक लाइक, ठीक है। तो जो जौन सा मर्जी आपको डॉट स्ट्रक्चर आ जाए, हमने सबके लिए ऐसा ही करना है, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, अगर आपको दो चीजें दी जाती हैं, दो फंक्शनैलिटीज दी जाती हैं, तो आपने कैसे उनके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, ओके। कल कर लेंगे।